नेक्स्ट पिल, लीवर में जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो स्टमक को अटैक कर सकती है, स्प्लीन को अटैक कर सकती है। बाय द वे अगर ब्लड ब्लॉकेज रहा, स्प्लीन लीवर बड़ा रहा, वी टेक पॉइंट लीवर 14, लीवर 13, वी टेक पॉइंट लीवर 13 और बाद में अकॉर्डिंग टू सिम्टम। अगर स्टमक को अटैक किया तो दैट विल रिजल्ट इन टू वॉमिटिंग, स्प्लीन को रहा तो इट विल रिजल्ट इन टू लूज फूड। तो लीवर के सिम्टम के साथ अगर वॉमिटिंग है, बिटर फ्लूइड, यू कैन ऐड स्टमक पॉइंट, और लूज मोशन है, यू कैन ऐड स्प्लीन पॉइंट। देन लीवर जू लीवर जो यस्टरडे वी आर डिस्कस, लीवर में एनर्जी हो गई तो आंखों के प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है आपका आंखों का, आंखों के सामने काला घूमता है, टीयर्स कम होते, ड्राई आईज, डल आईज, वर्टिगो, एंड ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन, जैसा ऑप्टिक एट्रोफी इसका उदाहरण है लीवर जू का। धीरे धीरे विजन कम होते जाते हैं, डल आईज, ड्राई आईज और ग्रेजुअली विजन कम होते जाती है। रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन, आइदर एब्सेंट, इरेगुलर और स्कैंटी, एब्सेंट, इरेगुलर और स्कैंटी। लीवर इज रिलेटेड टू नेल्स, सो नेल्स विल बी पेल, टंग विल बी पेल विथ ब्लूइश बॉर्डर, थिन ब्लूइश बॉर्डर, टंग विल बी पेल विथ थिन ब्लूइश बॉर्डर। पेशेंट में हैव प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइंड, बिकॉज लीवर इज रिलेटेड टू माइंड। एंड मसल फटीग, मसल वीकनेस, लीवर में एनर्जी रहे तो मसल में वीकनेस रहता है। सो लीवर जू, आय के, मेंस्ट्रुएशन के, मसल के, माइंड के प्रॉब्लम, वी हैव डिस्कस्ड, नेल विल बी पेन। लीवर जू विल बी टेकिंग लीवर 3, लीवर 8, आय के मदर पॉइंट्स, किडनी 3 एंड किडनी 7। जनरली इट इज ड्यू टू वीक किडनी। देन पॉइंट्स ऑफ गॉल ब्लैडर 40-43, दिस पॉइंट यू कैन चेंज। मसल का रहा तो यू कैन टेक 34, आंख का रहा तो यू कैन टेक 37 एंड लाइक वाइज। Then you can take UV 18-19, you can take UV 23। ये पॉइंट कॉज के लिए, बाद में सिम्टम को अकाउंट टू सिम्टम्स यू हैव टू ऐड। दिस इज लीवर जू। समटाइम्स लीवर इन जू जो रहती है, लीवर इन जू रहा तो उसमें यांग बढ़ता है, यानी हीट बढ़ती है। दिस इज लीवर जू, लीवर इन जू। लीवर इन जू में कभी कभी फायर बढ़ता है, लीवर इन जू रेजिंग फायर और हीट इन द बॉडी। इन दैट केस सिम्टम जो आते हैं डिफिशियंसी के नहीं आते हैं, सिम्टम हिट के आते हैं। दिस इज लीवर जो, लीवर में एनर्जी कम हो गई, और लीवर में इन एनर्जी कम हो गई तो सिम्टम लीवर डिफिशियंसी के नहीं आते हैं, यांग के आते हैं। दैट इज कॉल्ड लीवर इन जो
with yang raising. So liver converted into fire. लेकिन लीवर फायर में ऑल ऑफ ए सडन आते हैं, इसमें धीरे 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 हिट बढ़ते हैं, इसलिए इसमें अंधा नहीं होगा, बहरा नहीं होगा। लीवर वीक है, दिस इज इंटरेस्टिंग कंडीशन, लीवर वीक है लेकिन सिम्टम लीवर वीकनेस के नहीं आते हैं, हीट के आते हैं, लीवर हीट अटैकिंग द हेड, तो उसमें आदमी पागल होता है ऑल ऑफ ए सडन बढ़ गए तो। इसमें पागल नहीं होता, patient becomes restless. Insomnia, irritable. Liver fire में anger और violent, इसमें उसके नीचे की stage patient is restless, insomnia and irritable. इसमें भी headache होता है लेकिन उससे कम रहता है। Then, उसमें आंखें जाती है, ऑल ऑफ सडन आदमी बहरा अंधा होता है लीवर फायर में, इसमें अंधा नहीं होगा, रेड आईज, रेड एंड स्वोलन आईज। मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम आते हैं इसमें, उसमें मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम नहीं आते लीवर फायर में, इसमें मेंस्ट्रुएशन के सिम्टम आते हैं। दोनों में मेन फर्क क्या है कि लीवर फायर में ऑल ऑफ ए सडन सिम्टम्स आर एक्यूट इन ऑनसेट, हियर दे आर क्रॉनिक इन ऑनसेट, उसमें फायर बहुत ज्यादा रहता है, इसमें फायर कम रहता है। इज लीवर इन जू रेजिंग फायर बिकॉज इन कम हो गए तो यांग बढ़ता है, इसलिए फायर के सिम्टम। लेकिन यहाँ पॉइंट जो लेना पड़ता है, दोनों के भी लेना पड़ता है। जैसे बेसिकली वी बी टेकिंग लीवर 3, लीवर 8, बिकॉज दैट इज लीवर डेफिशिएंसी, गॉल ब्लैडर 40, 43, यूबी 18, 19, ये तो लेंगे हम डेफिशिएंसी के, प्लस हियर वी एड लीवर थ्रू एंड गॉल ब्लैडर 38। तो यहां लीवर को क्वालिफाई भी कर रहे हैं और हीट कम करने के लिए लीवर को ऐड भी कर रहे हैं। लेकिन इसको ब्लीड मत करो क्योंकि बेसिकली इट इज अ डेफिशिएंसी कंडीशन, इट इज नॉट एक्सेस कंडीशन। लीवर फायर को ब्लीड करने का, इसको सिर्फ सेड करने का, ब्लीड नहीं करने का। द डेफिशिएंसी ऑफ लीवर ब्लड, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी और लीवर एनर्जी डेफिशिएंसी, दे आर सिमिलर। सिर्फ फर्क क्या है कि आंखों के सामने जो काला काला आता है इसमें ज्यादा आता है। आंखों के सामने काला जो घूमता है, इट इज टिपिकल लीवर ब्लड डेफिशिएंसी। सो आई विल बी ड्राई, आंखों के सामने काला, मराठी मध्ये अंधारी येणं शब्द पाहायला, किंवा चक्कर आला डोळ्यासमोर, असं डोळ्यासमोर अंधार येत पण चक्कर येत, मराठी अंधारी येणं म्हणतो आपण। तो ब्लॅक स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ द आय, ड्रायनेस ऑफ आय, ग्रेज्युअल डिमिनिशन इन विजन। या ऍडिशनल क्या है, इफ नेल विल बी मोर पेल, पेशंट इज लाइकली टू बी अनेमिक, this patient is anemic, so pallor is more, tongue is more pale, nails are more pale, otherwise it is similar to liver zone. Then liver एनर्जी कन्वर्टिंग इन टू विंड, दैट इज कॉल्ड लीवर विंड।
लीवर एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू विंड। इसके तीन प्रकार रहते हैं। नंबर वन, इन हाई फीवर फॉर एग्जाम्पल मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस, ये छोटे बच्चों में कॉमन रहता है, बड़ों को भी हो सकता है। स्मिता पाटिल है डाइट ड्यू टू एनकेफेलाइटिस। मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस में ऐसे कन्वर्जन आते हैं, नेक रिजिडिटी रहती है, वॉमिटिंग रहती है और हाई फीवर रहता है, पूरी बॉडी टाइट हो जाती है, कन्वर्जन आते हैं, बॉडी पर्टिकुलरली नेक इज वेरी टाइट, पेशेंट गेट्स वॉमिटिंग एंड वेरी हाई फीवर। दिस मे टर्न इनटू लिवर विंड। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ब्लीड ऑन जिंगल पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट ऑफ हैंड, जिंगल पॉइंट हैंड के लेने का। फिर फीवर के लिए डीयू 14 एलआई 11 यू कैन ऑल्सो एड एल आई 4 क्योंकि फीवर है उसको। एंड बिकॉज विंड है, विंड के लिए पॉइंट नंबर 14 डेरी करें 5। और इसमें लीवर को सेरेट करना है, इट इज एक्सेस कंडीशन, सो यू कैन एड लीवर टू सेडेशन, इट इज एक्सेस कंडीशन। ब्लीड जिंगल पॉइंट्स ऑफ हैंड, हाथ के जो जिंगल पॉइंट रहते हैं उसमें मेजोरिटी फायर के रहते हैं। लंग लार्ज इंटेस्टाइन ये दो छोड़ा तो 6 में से 4 पॉइंट फायर के हैं, इसलिए हाथ के ब्लीड करना। अभी इन जनरल लोगों को हम बोलते हैं बिकॉज यू बिलोंग टू एडवांस कोर्स, ब्लीड ओनली रिलेटेड टू फायर, लंग और एलए को ब्लीड करने की जरूरत नहीं है। हार्ट पेरिकार्डियम एसआई एंड टीडब्ल्यू, ये सभी फिंगर के करने की जरूरत नहीं है। ब्लीड दिस फोर ऑफ बोथ हैंड्स, इससे फीवर एकदम कम हो जाता है। फिर फीवर के पॉइंट ऐड करो, फिर विंड के पॉइंट ऐड करो। डीयू 16 इज आल्सो गुड पॉइंट फॉर विंड, फेक पॉइंट। एंड देन लीवर को सेरेट करो। सेकेंड कॉल लीवर फायर कन्वर्टिंग इनटू विंड, हियर इट ऑन हाई फीवर कन्वर्टिंग मेनिंजाइटिस, देन लीवर फायर कन्वर्टिंग इनटू विंड। लीवर फायर कन्वर्टिंग इन विंड इट कॉज अ स्ट्रोक, पैरालिसिस का अटैक आता है हिमप्लेजिया का। लीवर फायर में पैरालिसिस का अटैक आता है। जो लोगों को गुस्सा आता है ना, लीवर फायर की वजह से गुस्सा, और गुस्सा जब आता है तो ब्लड प्रेशर रेज होता है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, गुस्से से बीपी रेज होता है और धीरे धीरे हिमोरेज, ब्लड वेसल रप्चर होता है, तो दैट कॉजेस इनटू स्ट्रोक। और ऑफ अ सडन पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस जनरली एंड वन साइडेड पैरालिसिस। तो इसकी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ब्लीड जिंगल पॉइंट्स, ब्लीड फायर लिखता हूँ मैं यहाँ, ब्लीड जिंगल के बजाय फायर के पॉइंट लो, बाकी लेने की जरूरत। फिर यहाँ प्योर, इसमें हमने प्योर के पॉइंट लिए थे, यहाँ यू कैन टेक डीयू 26, पेशेंट सीरियस है, यहाँ फीवर के पॉइंट की जरूरत नहीं है। एड डीयू 26, यू कैन टेक डीयू 16 विद पॉइंट, यू कैन एड
स्टमक 40, विंड पॉइंट, और क्योंकि पैरालिसिस है यू टेक लीवर पॉइंट एंड गॉल ब्लैडर पॉइंट। बाद में यू कैन गो ऑन टेकिंग लोकल पॉइंट। ये एक्यूट स्टेज में ये अभी पैरालिसिस हुआ है, जिग्वेल पॉइंट को ब्लीड करो, यहां दबाओ ताकि मरेगा नहीं, लीवर गॉल ब्लैडर के पॉइंट लोगों क्योंकि मसल का प्रॉब्लम। बाद में जो रूटीन ट्रीटमेंट करना है आपको, मोटर एरिया लेना क्या लेना है बाद में क्यों पड़ता है, इज ओनली फॉर एक्यूट स्टेज। और विंड के पॉइंट लेना बिकॉज दैट इज